हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी पोशाक है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। ये हमने नाइट वेयर बनाया है ठाकुर जी के लिए। ये 10 नंबर ठाकुर जी हैं, देखिए हमने यहाँ पे इन्हें पहनाया। ये हम 8 नंबर के लिए भी पहना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से रहेगी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा फैब्रिक गर्म है, जो लोकल मार्केट में जहाँ हमारा कॉटन का फैब्रिक मिलता है तोल के, वहीं पे ये गर्म फैब्रिक में तोल के मिलता है सर्दियों में, तो हमने वहाँ से लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई 8.5 इंच लिए और लंबाई हमने 14.5 इंच लिए। देखिए अब हमने इसमें लंबाई में रखते हुए इसे फोर फोल्ड करना है। लंबाई से हमने इसमें इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें फोर फोल्ड करना है। तो चलिए अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो हम आर्म होल का मार्क यहाँ पे 3.5 इंच पे करेंगे। देखिए इस तरह से हम 3.5 इंच पे शोल्डर आर्म होल का मार्क किया है, और शोल्डर का भी हम यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे इस तरह से 3 इंच का मार्क करेंगे। और 3 इंच से हम कम भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2.5-2 इंच में भी कर सकते हैं, तो भी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और इसमें भी, क्योंकि हमारा कपड़ा ये खिंचता है तो आराम से हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो जॉइंट था उसको कट कर लेते हैं। अब हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, जो हम सेंटर वाला जो फ्रंट वाला लेंगे। तो फ्रंट में हम हल्का सा नेक कट करेंगे। तो नेक हम लगभग हमने यहाँ पर 1/2 इंच का ही चौड़ाई ली है, उसकी हल्की सी कटिंग कर ली है और सेंटर से कट कर लिया है। देखिए इस प्रकार से सेंटर से हमने यहाँ कट कर लिया। ये हमारा दोनों पार्ट हो गए हैं। देखिए अब हम इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट है उस पर हम इस प्रकार से रखेंगे। जब हम स्टिच करेंगे तो इस तरह से रखना है हमें। देखिए पहले हम इसे रख लेते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ओके, यहाँ पे 10 इंच चौड़ाई है, ये दोनों स्लीव का है हमारा। तो देखिए यहाँ पे एक स्लीव की हमारी 5 इंच चौड़ाई है और लंबाई इसकी 4.5 इंच है। यहाँ पे 1 इंच डाउन करते हुए इस तरह से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और जो हमारा साइड में जुड़ा हुआ है तो इसे भी कट कर लेते हैं। देखिए हमारा ये कट हो गया, स्लीव कट हो गई है। अब हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टिच हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे इस वाले फैब्रिक को सिलने के लिए हमें 11 नंबर की सुई लगानी होती है। तो यहाँ पे हमने 11 नंबर की सुई लगा रखी है, उसी से स्टिच करेंगे। उससे इस पर अच्छी सिलाई होती है। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं इस प्रकार से। इस तरह से ओपन करेंगे अब ये। देखिए इसको हम अभी साइड करते हैं। तो इसके लिए हम इसमें कैप स्टिच करेंगे, जो हुडी लगाते हैं। तो उसके लिए फैब्रिक ले लिया। इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पे 3.25 इंच है, जो लंबाई इसकी है वो हमारी 4.5 इंच है। देखिए ऊपर के साइड से हमें इसे ज्वाइन करना है। देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से स्टिच करते आएंगे और बैक साइड में हल्का सा डाउन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है, जो हल्का सा डाउन किया उसमें हल्का सा ही फैब्रिक जो भी एक्स्ट्रा, इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए अब इसे हम सीधा करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये है, इस तरह से हो गया। अब हम इसमें फ्रंट साइड से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल फोल्ड ही करेंगे, क्योंकि इसमें धागे नहीं निकलते। डबल फोल्ड करेंगे थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमारा स्टिच हो गया है इस प्रकार से। अब यहाँ पे शर्ट वाला पार्ट लेंगे। तो इसमें भी हम फ्रंट साइड के दोनों पार्ट हैं, इनको सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आप दूसरा फैब्रिक लगा के भी स्टिच करते थे, इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी। देखिए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। यह हमारा एक पार्ट स्टिच हो गया है। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। दोनों साइड हमारी स्टिच हो गई हैं। देखिए इस तरह से अब हम इसमें हम कैप स्टिच करेंगे। देखिए कैप के यहाँ पे सेंटर में कट कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर फ्रंट की साइड से रखते हुए पीछे भी हमारा सेंटर हमने कट किया हुआ है, उस कट से कट को मिलाएंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये पोशाक हम कान्हा जी को पहनाते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। हमने ये नाइट वेयर बनाया है। देखिए इस प्रकार से आया है हमारा, इस तरह से हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे। पहले तो हमने स्लीव ले ली है इस तरह से। तो पहले हम इसको स्लीव को नीचे की साइड से सिंगल फोल्ड करते हुए दोनों को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से इसी पास से दूसरे स्लीव को भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए हमारी दोनों स्लीव यहाँ पे स्टिच हो गई हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे शोल्डर में। देखिए इस तरह से रखेंगे हम इसको, और यहाँ पर इस तरह से सेंटर में कट कर लेंगे। जो हमारी शोल्डर की सिलाई है उसको यहाँ पर स्टिच, सिलाई को जो कट है उसको यहाँ तक मिला देंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारी स्लीव, देखिए इस तरह से हो गई है। सेम इस प्रकार से हम दूसरे वाली स्लीव को भी स्टिच कर लेंगे।
देखिए यहाँ हमने दोनों स्लीव स्टिच कर लिए। अब इस तरह से साइड की जो सिलाई रखेगी उसे लगाएंगे, तो इस तरह से रखेंगे हम, देखिए इस प्रकार से रखते हुए यहाँ से इसे साइड से स्टिच कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम इसे स्टिच कर लेते हैं, देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाते जाएंगे। हमें यहाँ पे बिल्कुल फैब्रिक को खींचना नहीं है, अगर हम खींचेंगे तो ये बहुत खींचने वाला फैब्रिक रहता है, इसका छोटा बड़ा हो जाएगा। इस साइड भी स्टिच कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड स्टिच कर ली है इस प्रकार से, देखिए ये स्टिच हो गया हमारा। इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया है, देखिए इस प्रकार से इसे हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, इस तरह नीचे की साइड हम अपने सिलाई लगाएंगे। इसे हम सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे, तो देखिए हमने नीचे से भी इसे फोल्ड कर लिया है, ये लगभग हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब हम ऊपर के साइड से देखिए इस तरह से हमने सीधा करके रखा हुआ है, और यहाँ पर 3.5 इंच पर एक ऊपर के साइड से देखिए 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ हमें एक इलास्टिक लगानी है। देखिए अभी हमने इसे उल्टा करके रखा है जहाँ हमने मार्क किया था, ये इलास्टिक लिए हमने पतली वाली इलास्टिक जो रहती है, इस तरह से यहाँ रखेंगे और खींचते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम खींचते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे इसे, इस तरह से हमने पूरे में खींचते हुए जितना भी हम खींच सकते हैं इसमें हमने खींचा है, इसमें स्टिच कर लिया, यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमारा स्टिच हो गया है, देखिए इस प्रकार से ये हमारी पोशाक बहुत ही प्यारी लगती है जब हम ठाकुर जी को पहनाएंगे, तो इस तरह से है ये हुडी वाली पोशाक है, नाइट वेयर। अब हम इसमें चिटचैट बटन लगाएंगे, तो देखिए हमने चिटचैट बटन ले लिया इस प्रकार से। अब देखिए हम एक अंदर की साइड से लगाएंगे, तो जहाँ हमने इलास्टिक लगाई है इलास्टिक के ऊपर ही हमें स्टिच करना है इसमें, देखिए इस प्रकार से हम अच्छे से डबल डबल टाँका लगाते हुए हम सब में स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो गया, धागा कट कर लेते हैं। इस साइड में हमने अंदर लगाया तो एक वाला हम ऊपर लगाएंगे, एक हमें इसके ऊपर की साइड में लगाना होगा, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में इसे स्टिच कर लेंगे अच्छे से, मजबूती से डबल टाँके लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने इसे स्टिच कर लिया अच्छे से, इस प्रकार से स्टिच हो गया, हम धागा कट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी पोशाक रेडी हो गई है। इस तरह से हम इसको बटन को लगा लेंगे, देखिए बहुत ही प्यारी सी पोशाक है, बनाना बहुत ही आसान है विंटर पोशाक। अगर आपको पसंद आया तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।